सो हेलो वेलकम बाय गाइस। तो दिस साइड कुणाल और आप आज ऑफ कैंपस वीडियो के टाइम में आपके साथ मैं शेयर करूँगा कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज। तो उससे पहले जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब चलते हैं। तो पहली जो अपॉर्चुनिटी वो है टेस्ट बुक की तरफ से। तो टेस्ट बुक तेरा यूआई डेवलपर इंटर्न नवी मुंबई में होगी, ठीक है। ये इंटर्न होगी यूआई डेवलपरों के लिए, ठीक है। ये कुछ चीजें आनी चाहिए आप लोगों को, डिजायर्ड स्किल आपको ये चाहिए कि आपको एचटीएमएल सीएसएस पता हो, आपको एंगुलर या जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आते हो, बूटस्ट्रैप पता हो, सीएसएस पता हो, ठीक है। पीओ पोस्ट प्रोसेसेस पता हो अच्छे से, आपको नॉलेज हो कैसे यूज करते हो गिट और बिटबकेट में, कोई भी आता हो फैमिलियर विद गिट या बिटबकेट, ठीक है, ताकि आप वर्जन कंट्रोल की तरफ कोड बेस कर रख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी इंटर्न है, जो यूआई डेवलपर इंटर्न ढूंढे थे बहुत अच्छी है, तो अप्लाई कर देना। मूविंग टू अवर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है अमेज़न की तरफ से, अमेज़न ढूंढे क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है। तो क्लाउड सपोर्ट मतलब एडीएस साइड काम करवाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन ये है, बट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में ये है कि आपको इन चीजों पे पता होना चाहिए, मल्टीटास्किंग, उबंटू, सेंटोस, रेड हैट सोलिस सेक्टर आपको पता हो, ठीक है। लिनक्स यूनिक्स सिस्टम के बारे में पता हो, बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग, टीसीपी हो, स्ट्रॉन्ग कस्टमर, मल्टीटास्किंग स्किल्स हो, और आप काफी कुछ मायने में आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, एक्सपोजर टू क्लाउड कंप्यूटिंग भी, ठीक है। उसके बाद आपको ये है क्लाउड एक्सपोर्ट एसोसिएट जो कि AWS के डेटा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लोग जैसे क्लाउड बेस्ड क्लाउड इंजीनियरिंग के काफी ज्यादा कर चुके होंगे, ठीक है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर, ठीक है। तो बट ये मैं बता देता हूँ कि जो फुल टाइम एंट्री लेवल है, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप डीप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा सिर्फ 2020 और 2021 बैच के लिए, तो इसमें और कोई बैच अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ यही, और ओनली टॉप टायर कॉलेजेस में बीटेक, बीटेक, ड्यूल डिग्री, एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये मिल जाएंगी कौन कौन से स्किल्स चाहिए, C++ चाहिए, सिस्टम ग्राफिक्स के लिए डेटा भी आपने है, कौन कौन से ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, और सैमसंग का काफी अच्छा नाम आप लोगों को पता है, तो पे स्किल भी काफी अच्छा होता है, तो वो चीजें। बट आपको उससे पहले आपको स्किल्स देनी पड़ेगी जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। अगर 2020-2021 के हो DSA अच्छा है तो हाँ यार अप्लाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है सबके लिए, जो 2021-2022 बैच के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर SD रोल के लिए ऑफ कैंपस खुला ही रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली, बट हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर दोबारा से आगे है तो SD रोल के लिए बेसिक आपके ये देखिए बैचलर डिग्रीज में हो, बेसिक क्वालिफिकेशन में 6 मंथ एक्सपीरियंस हो, या तो आपको प्रीवियस इंटर्न का एक्सपीरियंस हो जो 6 मंथ इंटर्न्स होती है, या फिर आपको इंटर्न जो 2021 वाले थे उनको कहीं ना कहीं काम कर चुके होंगे 2022 में अगर अप्लाई करने से, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कि आपको, ठीक है। बाकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में वही है कि आपको अच्छे से कोड की कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पता होगा, एक्चुअली कोड फ्लो क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव वगैरह वगैरह सब आता हो, तो ये अपॉर्चुनिटी एसडी रोल के लिए 2022 बैच भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है कि पेपल की तरफ से है ये अपॉर्चुनिटी, तो मैं दिखा देता हूँ, रिलोड हो रहा है, हाँ। तो ये पेपल की तरफ से अपॉर्चुनिटी, तो ये है सॉफ्ट इंजीनियर 2021, सिर्फ 2021 ग्रेजुएट के लिए है पेपल की। तो ये बैंगलोर, दो लोकेशन है बैंगलोर चेन्नई, यहाँ पे फुल टाइम है, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हो पेपल, तो यहाँ पता ही होगा ट्रांजेक्शन वाला सब, वो मोस्ट प्रोबेबली सब जानते होंगे। आप नीचे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना और 2021 के लिए कौन कौन से है ये वाले देख लेना, आपको अच्छे स्किल्स आने चाहिए, 2021 से स्ट्रिक्ट कर दिया है तो इन चीजों के ऊपर निर्भर रहना और फिर अप्लाई करना, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को और दूसरे से वीडियो को शेयर करना, लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो लाने के लिए। और हाँ यार बने रहो मेरे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।